हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज से हम अपने सी टेट के ई वी एस का सेक्शन शुरू करेंगे। जो हमने सी टेट का पैडागोजी वाला सेक्शन था यानी कि सी डी पी का सेक्शन था आपका, वो बहुत ही पहले ख़त्म कर दिया है, यानी कि बहुत पहले आपका 15 से 1 महीने पहले ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद आपका बीच में जो टाइम था सी टेट का या फिर इस तरह की चीज़ों का, इसलिए रोका गया था कि बहुत सारे बच्चों का यू जी सी का पेपर था, यू जी नेट का पेपर था और दूसरा बहुत सारे बच्चों का लाइब्रेरी का पेपर था, तो DSSB के, तो उस वजह से पेपर का स्लॉट मतलब एक तरह से तैयारी थोड़ी सी रोक दी गई थी। सी टेट में एक और वजह थी कि सी टेट का थोड़ा सा ब्रेक देने का, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हो गया था, यानी कि ऑफलाइन का आपका नोटिफिकेशन आ गया था। तो हमारा सी डी पी का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सी डी पी की हमें सिर्फ तैयारी करनी है, यानी कि जमकर तैयारी करनी है। ई वी एस का सेक्शन है, जो ई वी एस के सेक्शन में बच्चे परेशान होते हैं उसको देख रहे हैं, यानी ई वी एस में बच्चे किसी वजह से परेशान होते हैं, जो एन सी आर टी क्वेश्चन आते हैं, एन सी आर टी के क्वेश्चनों की वजह से, और एन सी आर टी के नोट्स आपको मिलते नहीं। तो वो अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए तो ये आप बुक ले सकते हैं और इसकी कीमत है 100 रुपये, यानी कि इस बुक की कीमत है 100 रुपये। तो एन सी आर टी की बेस्ट बुक है, इसमें 3री 4थी और 5वीं कक्षा के सारे एन सी आर टी के नोट्स दिए गए हैं। तो आज हम इसे ही खर्च कर, यानी कि इसे ही एक तरह से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और चैप्टर वाइज में सारे आपके थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास, फिर फिफ्थ क्लास, इस तरह से आपको कराया जाएगा, जिससे कि आपका एन सी आर टी का जो ई वी एस का सेक्शन है, वो जो एन सी आर टी सेक्शन है वो कवर हो जाए। क्योंकि एन सी आर टी से आपको पता ही है 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से आते हैं, ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे। तो चलिए आज पहले क्लास थर्ड का देखते हैं, यानी कि हमें देखते हैं कौन कौन, ये देखिए ये क्लास पर्यावरण खंड जो पहला है, ये आपको ई वी एस का सेक्शन है, यानी कि जो ई वी एस में जो पैडागोजी सेक्शन है वो है, ये है एन सी आर टी का, यहाँ से हो रहा है एन सी आर टी शुरू, यानी कि एन सी आर टी में कितने सिलेबस, यानी कि कक्षा 3 में आपके 24 पार्ट हैं, यानी कि 24 लेसन्स हैं। तो 24 लेसन्स में आज हम देखेंगे जो शुरू के 10 लेसन हैं, यानी कि शुरू के 10 लेसन्स देख लेते हैं, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा लग रहे हो 24 का कर लेते हैं तो एक दिन में, यानी कि एक दिन में हम 8 चैप्टर कर रहे हैं तो क्या नाम, तब भी हमारे 2 या 3 दिन में सारे कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो चलिए आज हम यानी कि अब करते हैं जो कक्षा 3 के हैं उसके चैप्टर को देखते हैं, और फिर ऐसे ही हम 4 के देखेंगे 5 के देखेंगे और 6 के देखेंगे। जिस भी बच्चे को बुक लेनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम चलेंगे खंड पहला, यानी कि खंड पहले में तो आपका है ई वी एस का, यानी कि आपको सबसे पहले जो खंड कराना है वो क्या कराना है, देखिए ये है कक्षा 3, 4 और 5, ये आपको मैंने बताया ना कक्षा 3, 4, 5, उससे पहले हमें करना है आपका ये जो है पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र, यानी कि पैडागोजी ऑफ ई वी एस, पैडागोजी ऑफ ई वी एस को 15 नंबर और प्लस 15 नंबर आपके थ्योरी के होते हैं, तो इससे होते हैं 30 नंबर। तो आज हम करेंगे ये वाला सेक्शन, यानी कि पैडागोजी वाला सेक्शन करेंगे, इसमें 16 है तो इसमें भी 8 हो जाएंगे, या फिर जितने भी हमारे ज़्यादा लंबी वीडियो देने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखकर बच्चे परेशान होते हैं, जितने हमारे, यानी कि हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। जैसे इसमें 16 चैप्टर है तो 16 चैप्टर को हम बांट लेते हैं, 16 चैप्टर को मान के चलते हैं, 4 चैप्टर आज करा दिए जाएंगे, फिर 4 चैप्टर कल करा दिए जाएंगे, 4 चैप्टर परसों करा दिए जाएंगे, इस तरह से आपके 16 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, यानी कि 4 दिन में आपके पैडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आपका जब पूरा होगा तो आप समझेंगे भी, उस चीज़ को ऑब्जर्व भी करेंगे और इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन भी कराएंगे, यानी कि पहले हम चलते हैं पैडागोजी में, फिर हम चलते हैं एनसीईआरटी। तो चलिए खंड पहले में देखते हैं, जो खंड पहला जो आता है आपका, खंड पहले में क्या है, खंड पहले में चलिए खंड पहला ये आपका आ गया, तो खंड पहले में आपका आता है, पहला अध्याय कहता है ई वी एस की अवधारणा, यानी कि ई वी एस की अवधारणा कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई, ये पढ़ा जाता है। और ई वी एस की अवधारणा के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन हर हालत में मिलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ई पेपर और ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन का तो खास कर ये कहना है, इससे हर हालत में आपको 2 क्वेश्चन मिलने हैं, तो इसलिए पहले अपना पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि या फिर अपने जो भी कॉपी में आप नोट्स बना रहे हैं आप उसको लेके बैठिए, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ जो बारीकी से चीज़ होती है, यही आपको लेके, यानी कि एक तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे।
तो ईवीएस के सेक्शन में सबसे पहला क्या आता है, आपको ईवीएस की अवधारणा का पता होना चाहिए, जो कि दो नंबर का, यानी कि हर हालत में आपको दो नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला एक तो ये पूछ लेता है कि ईवीएस जो है वो दूसरी और तीसरी क्लास में ईवीएस कैसे पढ़ाया जाता है, या फिर ये पूछ लेगा तीसरी चौथी और पाँचवीं में ईवीएस किस तरह से रोल आता है। तो आपको ये सबको पता है कि भैया ईवीएस किस में, पर्यावरण में, यानी कि ईवीएस एनवायरमेंट स्टडीज में, साइंस में और आपका एसएसटी में, तो इन तीनों को मिला के बनता है ईवीएस, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो ये दिखा रखा है कक्षा 3 से 5 तक के ईवीएस की जो एनसीईआरटी है वो हिंदी और हिंदी में पर्यावरण की पुस्तक का शीर्ष क्या है, आसपास। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आसपास क्या है, आसपास आपकी यानी कि लुकिंग अराउंड जो है आपकी एक तरह की बुक है जो कि ईवीएस की बुक है। पर्यावरण अध्ययन में इंग्लिश में साक्ष्य ईवीएस को जिसके विस्तार रूप में क्या कहेगा, एनवायरमेंट स्टडी। एनवायरमेंट स्टडी के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे जो पार्ट पड़ता है, यानी कि आगे की चीज़ है भाई। जो 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी ने सिफारिश की थी पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर ही विषय के रूप में पढ़ाया जाए, और इसे लागू कब कर गया, 1977 में, यानी कि 1977 में इसे लागू कर दिया। कक्षा 1 और 2 के स्तर में पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण दोनों के को भाषा गणित के रूप में शामिल किया गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है, ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे जो आता है कक्षा 3 से लेकर 5 तक में सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, यानी कि सामान्य विज्ञान जो आपका साइंस है, सामाजिक अध्ययन के अलग अलग भागों को होना चाहिए, और इसमें ईवीएस भाग 1 और भाग 2 कहा जाएगा, यानी कि ईवीएस कहा जाएगा। एनसीईआरटी 2005 की जो सिफारिश थी वो ईवीएस को पूरे प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर क्या गया, आपको जब पता होगा पहली और दूसरी और में क्या पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है और मैथ पढ़ाई जाती है, वहाँ पर इन तीनों के रूप में ईवीएस को आपको इंक्लूड कराया जाए। जैसे कैसे, जैसे कविता आ गई कोई सी कि दूर देश से आई परियां, इस तरह से कविता होती है कि नहीं हिंदी में, इंग्लिश में लुक अराउंड द सन, इस तरह की जो होती हैं वो हो गया। जैसे और इंग्लिश में कौन से है, सन राइजेज इन ईस्ट, तो ईस्ट का क्या होगा, ईस्ट उसे बता देगा जो दिशाएं, चारों दिशाओं के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एनवायरमेंट स्टडीज़ यहाँ पर कवर होती हैं। तीसरी चौथी और पांचवी कक्षा में क्या होता है, तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में जो ईवीएस है आपका वो किससे मिलकर बना है, साइंस से मिलकर बना है, एसएसटी से मिलकर बना है और आपके पर्यावरण से मिलकर बना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट यानी कि 2 क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलने हैं। फिर आता है पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ सबको पता है परिपरस आवरण, और इस तरह क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने के मिलेगा, यानी कि यूपी टेट में देखने के लिए मिलेगा, कहीं भी सी टेट में देखने के लिए नहीं मिलता है, और ना ही मिलने का चांस, अगर मिलने का चांस है तो घेरे हुए या ढके हुए होता है, यानी कि पर्यावरण का पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि परि प्लस आवरण जिससे मिलकर बना है, ठीक है, जिसका परि का अर्थ क्या है, परि का है चारों ओर तथा आवरण, और आवरण का अर्थ क्या है, घेरे हुए या ढका हुआ। तो इसका इसी प्रकार हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं, चारों ओर के आवरण के भीतर जो भी कुछ शामिल होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। यानी कि अगर आप ये जो है ये धरती है, तो ये जो यहाँ पर आप खड़े हो तो इसके आपके जो चारों ओर है वो पर्यावरण है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि पहले चैप्टर आपका इस चीज़ के ऊपर था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर के ऊपर, दूसरा अध्याय क्या कहता है, ईवीएस की मुख्य थीम और उप थीम, यानी कि ईवीएस की मुख्य थीम और उप थीम का ध्यान कर लेना, इसके ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से मुख्य थीम कौन सी है, यानी कि मेन थीम कौन सी है और सब थीम कौन सी है, ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, एक क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है कि आपसे कौन सी, जैसे परिवार में कौन सी थीम है, यानी कि परिवार में कौन सा आता है, तो आपसे ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए पर्यावरण के अंतर्गत हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के एक साथ अध्ययन करते हैं, ऊपर जो अभी क्वेश्चन करा है, और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए हर हालत में मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना, कभी आप ये कहो कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलता, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, थ्योरी वाले भी चाहे और जो सीडीपी आए थे उसमें भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। ईवीएस जो यानी कि एनसीईआरटी 2005 में 3री से 5वीं तक के पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम के विषय को पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया, यानी कि 6 थीम कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके होते हैं परिवार और मित्र, ये आपकी थीम है। फिर आता है भोजन, फिर आता है जलपान,
आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाएं। भैया आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपका यानी कि आप जो आपका जन्म हुआ, ठीक है, आपके माता पिता से हुआ आपका जन्म, ठीक है, तो वो क्या नाम, इन चारों को मिलके बना, इन तीनों को मिलके क्या बना, परिवार बना। फिर इन को जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। फिर उन जब खाना खाओगे तो पानी भी चाहिए, यानी पानी भी चाहिए। फिर रहने के लिए आवास भी चाहिए। फिर भाई आवास चाहिए तो क्या नाम, यात्रा भी चाहिए। एक जगह पड़े पड़े तो आप बोर हो जाओगे, जैसे आदि मानव भी थे तो वो क्या करते थे, घूमने घूमने जाते थे या फिर जंगलों में वंगलों में जाते थे, तो यात्रा के लिए भी चाहिए। और फिर हम चीज़ें कैसे बनाएं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर यानी कि ये तो हो गई आपकी मुख्य थीम, यानी कि मुख्य थीम के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे। और ये है आपकी चार उप थीम, यानी आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, यानी कि आपका ये आप क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है, आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम निम्न है, ठीक है, जो थीम है उसके बारे में बताया गया, थीम जो है निम्न है। विषय वस्तु बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो विषय वस्तु है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। और इस ये क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा आपको, विषय वस्तु होना चाहिए जो बाल केंद्रित होना चाहिए, ये आपको ध्यान कर लेना। चाहे आपका सी टेट का कोई सा भी पेपर हो, यानी कि सी टेट में पेपर वन हो पेपर टू हो। दूसरी कंडीशन क्या है, ई वी एस हो सी डी पी हो, चाहे कोई सब सब्जेक्ट हो, उसमें आपको बाल केंद्रित करना है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड को लेकर चलना, चाइल्ड सेंटर्ड का ही और NCF के अकॉर्डिंग चलना है। फिर दूसरा क्या कहता है, विषय वस्तु शिक्षार्थियों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जुड़ा होना चाहिए और एकीकृत तरीके से। यहाँ पर भी आपको पर्यावरण और प्रकृति और पर्यावरण सांस्कृतिक ये वाली चीज़ दिख जाए, आँख बंद करके आंसर लगा देना, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इसमें आँख बंद करके आंसर लगा देना, आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका देना चाहिए। पॉजिटिव में आपको अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए कि प्रश्न को पूछने की आज़ादी होनी चाहिए बच्चे को, बिल्कुल आँख बंद करके आंसर, पॉजिटिव में यही आंसर होता है। रटने पद्धति पर जोर नहीं देना, ये भी ध्यान रखना। विद्यार्थियों के पर्यावरण के प्रति आदर कराना, यानी कि आपको मान लीजिए कहना बच्चों कि आप भी आप जो बाज़ार में पन्नियाँ मिलती है, पन्नियों में सब्जी मिलती है, उसको अवॉइड करें, आप अपने घर से जो कपड़े का थैला है उसमें अपनी सब्जियाँ लाएँ। तो इससे क्या होगा, जो पर्यावरण के प्रति हम बच्चे को आदर का वैभाव कर रहे हैं, उसको जागरूक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें क्या करानी है, EVS में करानी है। ये सब चीज़ें आपको, ये पॉइंट आपको लग ही रहे होंगे अटपटे, और ये क्वेश्चन हर हालत में जितने पॉइंट है, यानी कि ये जितने भी पॉइंट है, पाँच और पाँच नीचे, ये पाँचों के पहुँच, ये 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेट बने। और कोई आप इस तरह से सोच रहे हो और किसी किताब में इस तरह के मिलेंगे पॉइंट, नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए कहा गया, अगर आपको लेना चाहे तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और ये बहुत ही इस तरह की जो बुक है आपके लिए पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, यानी कि EVS का पूरा समस्या को हल कर देगा। फिर आगे आता है, विद्यार्थियों के पर्यावरण को लेकर जागरूक करना चाहिए। भाई EVS पढ़ा रहे हो, EVS अगर नहीं जागरूक नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, वो पन्नी को लेने यानी कि जो पॉलिथीन है उसे लेके जाएगा, फिर पॉलिथीन को लेके जाएगा उसे यूज़ करके फेंक देगा, फिर उसे कहना या तो गाय खा लेगी या फिर उसे कूड़े के रूप में पड़ी रहेगी, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षाओं के ज्ञान पर सीमित ना हो, यानी कि ये पॉइंट आपके कई बार जैसे साइंस पेपर टू में भी साइंस में पूछा जाता है, SST में पूछा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना। फिर आता है शिक्षार्थियों के, यानी कि शिक्षार्थियों को परिवार समुदाय कक्षा के बाहर से भी जोड़ना चाहिए, और समाचार पत्रों के ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। भाषा विद्यार्थियों को बोलचाल की होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो तो उसमें बोलचाल की भाषा, यानी कि आपको जैसे मैं बोलचाल की भाषा में लेके चल रहा हूँ उस तरह की, अब आपको मैं कोई अलग लैंग्वेज पढ़ाने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होती। बोझ के बिना शिक्षा देना, यानी कि बोझ के बिना शिक्षा देना, और ये कब आया था, CCE जो पैटर्न आया था हमारा 2010 और 2011 का जो पैटर्न था वो बिना बोझ के शिक्षा वाला पैटर्न था, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये आ गया अध्याय आपका तीन। अध्याय तीन में क्या है, EVS का महत्व, EVS का महत्व जो होता है, यानी कि EVS महत्वपूर्ण है क्यों, ये आपसे पूछा जाएगा। EVS का महत्वपूर्ण क्या है, जो पर्यावरण शिक्षण में महत्वपूर्ण निम्न कारणों से, पर्यावरण शिक्षण हमारे पर्यावरण की समस्या को, यानी पर्यावरण में समस्या क्या चल रही है, भैया जल की समस्या है, दूषित क्या नाम वायु है,
आपने देखा होगा हर बार दिल्ली NCR में ये कहते हैं कि प्रदूषण हो गया, ये हो गया, और जो सर्दियों का टाइम हो गया तो फॉग आ जाता है, वो इस तरह की चीज़ें होती, ये सब चीज़ें हो जाती है कि नहीं। और आजकल तो ये भी चल रहा है कि आपको पता ही कि जो नदियों का पानी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही, इस तरह से हो रही। फिर उसके निदान, उसके पर्यावरण को संरक्षित करने के क्या करना चाहिए, आप हर साल ये देखते होंगे वृक्षारोपण के जो कार्यक्रम होते हैं वो करे जाते हैं, पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम तो करे जाते हैं वो अच्छी बात है, पर वृक्षारोपण के जो कार्यक्रम हैं वो आप बच्चों से कराने के बाद यानी एक तरह से जागरूक कर दिया, और कुछ ही महीनों बाद उनमें पानी देना बंद और वो फिर दोबारा मुड़ जाते हैं, और फिर अगले साल फिर वही गड्ढा आपके वृक्षारोपण के लिए क्या होता है, काम आता है। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो एक तरह से बच्चों को, फिर क्या बच्चे के मन में क्या होगा, भैया ये तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतनाओं को बढ़ावा देता है, यानी कि पर्यावरण शिक्षण क्या है, नागरिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरण शिक्षण में हमारे पर्यावरण और मनुष्य के क्रियाओं के बीच संबंध को दर्शाती है, यानी कि ये भी आती है। पर्यावरण शिक्षण में हमें प्रदूषण को और दुष्प्रभावों को के विषय में बताती है, तो ये सब चीज़ें आती हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण। अगला चैप्टर देखते हैं, ये है आपका 4th chapter, यानी कि ये हमें पढ़ना है, तो इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपने 4 chapter पढ़े, 4 chapter में अपने नोट्स बना लिए, फिर आपने पढ़ा, तो आपका क्या होगा, EVS का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इस तरह से आपको पढ़ेंगे। तो आगे क्या है, पर्यावरण शिक्षण में व्यापकता, तो अब आएगा व्यापकता, तो इसके क्या आएगा, पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों को जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि जिज्ञासा कैसे होनी चाहिए, आपने देखा होगा, आप चलिए एक मिनट रुकिए, आपने कोई सीरियल देखा, चलिए अब सीरियल की बात लेके चलते हैं, यहाँ से कोई भी सीरियल हो गया या मूवी हो गई, ठीक है, इंटरवल कहाँ होता है, ऐसी जगह होता है जहाँ पर आपको क्यूरियोसिटी रहती है यार इंटरवल के बाद क्या होगा, या फिर आपका जो सीरियल होगा, कोई भी सीरियल होगा, वो ऐसी जगह आ जाकर रोकेगा जो आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या होगा क्या होगा, ऐसे ही आपको पर्यावरण के प्रति अपने बच्चों को जागरूक बनाना है, यानी कि ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ये आपके हर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर होता है रुचि उत्पन्न करना, कल्पनाशील पैदा करना, यानी कि अगर यार कि उस बच्चे से कल्पनाशील किया, जैसे वो बच्चा कहानी सुनता है तो कल्पना में खो जाता है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बच्चे को कल्पनाशील बनाना है। कल्पनाशील कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे अब ले लेते हैं आजकल जो टॉपिक चल रहा है, सबसे करंट टॉपिक किसका चल रहा है, या तो पानी का चल रहा है, और पानी का ही मान लेते हैं, यानी कि जैसे दिल्ली में बाढ़ आ रही है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो ये लेके चलते हैं, तो एक कल्पनाशील वाला टॉपिक बच्चे को कहते हैं, बच्चों अगर मान लो कि अगर पूरे देश में बाढ़ आ जाए तो आप क्या करोगे, तो ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर उस दिन छुट्टी होगी, जैसे पुराने टाइम में हम भी कहते थे, जैसे एक जोक था हमारे टाइम पर कि टीचर बोलता है कि बच्चों ये बताओ कि अगर एक आपके यहाँ भूकंप आ जाए, स्कूल का कुछ हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, तो ये बच्चा छुट्टी कहता है उस जोक में कि सर ये बताओ छुट्टी होगी कि नहीं होगी, तो वैसे ही छोटे बच्चे जो कल्पनाशील होगी इस तरह की बात कहेगा, या फिर ये कहेगा सर क्या नाम बहुत बाढ़ हो जाएगी, हम क्या नाम हमें चोट लग जाएगी, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ये सब चीज़ें तो कहेगी, और वो कल्पनाशील अपने स्तर पर, यानी कि उसका स्तर क्या है, उसका स्तर है छोटे बच्चों के सर इस तरह पर सोचना, तो वो उस स्तर पर सोचेगा, अब आप उस इस तरह पर यानी उसने आंसर भी दिया और आपने कहता चल तुझे क्या पता, ये पता वो पता, यानी बच्चे को डांटना नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। इस CTET में एक चीज़ का ध्यान रखना, एक तो रटाना नहीं है, यानी कि रटना वाली बात नहीं है, और उसे मारना पीटना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है पर्यावरण में उनके सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि आपको उस तरह से जैसे आप कोई भी यानी कि बड़े होके बड़े बच्चों से एग्जांपल करा और उसमें इन्वॉल्वेशन कराते हो, वैसे ही आपको बच्चों को लेके चलना है, जैसे कि आपने वृक्ष की बात करी, या फिर आप लेके चल रहे हो किसी भी चीज़ के पौधे की बात करें, तो उसे बच्चे को उस यानी कि अपने जो स्कूल के गार्डन है उसमें जहाँ पे वृक्ष लगे हैं वहाँ पर लेके जाइए, और उसे कहिए कि बच्चों देखो ये है क्या नाम गुलाब का फूल, ये है लिली का फूल, ये इस तरह से जब आप उसे सक्रिय भागीदारी लेके चलेंगे तो क्या होगा, बच्चा ज़्यादा सीखेगा, यानी कि उससे एक तो इंटरेक्शन हो गया, फिजिकल इंटरेक्शन हो गया, और उसे चीज़ों को देख लिया, और उसने सबको सक्रिय भागीदारी की तरह महसूस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, आसपास के पर्यावरण में विद्यार्थी को परिचय कराना, यानी कि आसपास के वही जो अभी बताया मैंने, विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्य और भावनाओं के का विकास कराना, ताकि वे स्वयं समर्थित यानी एक तरह से तैयार हो सके, यानी कि आपको क्या कराना है, आपका बच्चा जो भी है उसे क्या करना है, अपने बच्चों के प्रति यानी सॉरी
अपने पर्यावरण के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक कराना, अपने समाज के प्रति उसे एक ऐसा नागरिक बनाना जिससे वो समाज में एक अच्छा पर्यावरण के लिए सजग हो सके, भावना को उत्पन्न कर सके। फिर आता पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देनी। भाई उसे ये कहना है कि बच्चों जो लकड़ियाँ होती हैं या फिर इस तरह के जो ईंधन होते हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं वो हमें नहीं जलाने हैं। आप जैसे कागज़ जलाते हो या फिर लकड़ियों को जलाते हो वो नहीं जलाना, हमें नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना है जो हमारे लिए ईंधन का रूप का। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने गाँव में लकड़ियाँ को यूज़ करते हैं या फिर जब शहरों में भी गर्मियों के टाइम पर लकड़ियों का यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये इस तरह से जागरूक करना है और हमें एक तरह से बच्चों को सजग बनाना है। फिर क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने। कैसे अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने, तो जब पर्यावरण की बात आएगी तो पर्यावरण में क्या आएगा, वही आपको सबसे पहला तो पॉलीथीन वाला एग्जांपल है, ठीक है। फिर आपको क्या क्या ये होगा कि बच्चों आप जब यातायात यानी कि आप जब घर से अपने स्कूल आते हैं तो यातायात के नियमों को पालन करो। किसी की जो मदद के लिए है यानी कि उसे कोई व्यक्ति है या कोई जो बुज़ुर्ग आदमी है अगर वो रोड पार कराना चाहता है तो आप उसे रोड पार। इस तरह से जब आप अपने बच्चे को सच बोलो, ये क्या है अच्छे नागरिक यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत सारे जो हमारे इथिक्स हैं उसे पूरा कराओ। फिर आता है विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ने और उनके प्रश्न पूछने के लिए उन्हें अभिप्रेरणा यानी कि अवसर देने वाली। अभिप्रेरणा की बात करें या अवसर देने की बात करें, दोनों के ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यानी कि जो अभी तक इस तरह के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चनों के रूप में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप बाहरी जीवन से यानी कि ये किताब आपकी, ठीक है, इस किताब को आपको बाहरी जीवन से लेके चलना है। अभी जैसे ये किताब पढ़ रहे हैं तो इसको बाहरी जीवन से जोड़ के लेके चलना है, तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज क्या देखें, हमने जो चार चैप्टर हैं, अब आपका जो कल का जो है पाँच चैप्टर यानी कि पाँचवें चैप्टर से हम आठवें चैप्टर तक करेंगे, तो इस तरह से आपका जो EVS का सेक्शन है पूरा कवर हो जाएगा, जिससे आपको EVS के सेक्शन में दिक्कत ना हो। यानी कि CDB का जो थ्योरी सेक्शन है वो कवर हो चुका है पूरा का पूरा, जो आज से यानी कि बहुत पहले कवर करा दिया था आपको जब आपका एग्ज़ाम यानी कि CTET के फॉर्म निकले थे, ठीक है, और वो आपका कवर हो गया था। EVS का सेक्शन है अब क्या नाम कुछ ही दिनों में कवर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन और यानी कि क्वेश्चन हम इस तरह से पढ़ेंगे मैराथन के रूप में, जो आपको एक भी क्वेश्चन यानी कि आपका जब 150 का पेपर है तो 150 110 यानी कि 100 नंबर तक आपको लानेंगे, और जो अच्छी मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा ले आएगा भाई, जो नॉर्मल मेहनत कर रहा है उसे पास यानी कि आपके 90 से लेकर 100 तक का नाम आपको आ जाए, जिससे कि जब कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़ में तिहोत रसियावत जात के सिर पर बने, इस तरह से आपको यानी कि आप जब प्रयास करते रहोगे तो क्या होगा, एक तरह से आपको क्वेश्चन सबसे बड़ी बात होती है CTET में। CTET का पेपर सबसे ईजी पेपर है, ठीक है। CTET जब मैंने भी क्या नाम सीधी बात यह है जब मैंने भी पेपर करा तो यानी कि उस टाइम मैं क्योंकि BEd में तो मेरे टाइम पर पेपर निकला नहीं था CTET का, MEd कर रहा था। MEd में भी ये था कि MEd की छुट्टियां यानी छुट्टियां पड़ गई थी और वो भी 15 दिन की छुट्टी थी, ठीक है, 15 दिन की छुट्टी थी और 10 दिन का यानी कि 10 दिन के लिए डिसर्टेशन के लिए जाना था हमें, तो उसकी भी 5 दिन का हमें छुट्टी मिल गई थी। तो मैक्सिमम मान के चले 20 दिन और एक महीना होता है आपका 24 दिन का, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ था मेरे को, जब ये था कि तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, सारा पढ़ा हुआ तो था हमारा, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी यानी कि मैं भी एक जो एक चीज़ है उससे प्रैक्टिस करने के लिए अपना टाइम प्रैक्टिस के तौर पर दिया है, प्रैक्टिस के तौर पर दिया है। जब तक प्रैक्टिस खुद प्रैक्टिस करी, और आपको क्या है जो बहुत सारे बच्चे टेस्ट से डरते हैं यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट से मत डरो, जितना भी आपका सीधी बात है भाई, आज आप प्रैक्टिस करोगे यानी कि आपने किसी ने कोई भी XYZ कोई भी आपको संस्थान है या फिर कोई भी आपको यूट्यूब चैनल वाला 100 क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, 100 क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, अपनी मेहनत करा रहा है, वो अपनी तरफ से करा रहा है, आपने 100 में से यानी कि 100 क्वेश्चन रोज़ उसके 100 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन भी देख लिए तो क्या होगा, और उस 100 क्वेश्चनों को आपने एक बार देखा फिर दोबारा क्या ना यानी कि जब वो क्वेश्चन करा रहा है फिर आपने खुद करे तो क्या होगा, उन 100 क्वेश्चनों में से 80 तो याद रहेंगे, हर बार 80 याद रह गए, यानी कि 80 में अगर 10 वीडियो बनाई किसी ने तो क्या नाम कितने हो गए, 800 क्वेश्चन हो गए। 800 क्वेश्चन में से आपके मान लीजिए
150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से आपके मान लीजिए किसी के ईवीएस के 800 क्वेश्चन करा दिए, उसके 30 में से 27 क्वेश्चन आ गए या फिर कुछ भी आ गए क्योंकि रिपीट होगा क्वेश्चन। और सी टेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जिज्ञासा हो गया, इस तरह के जो पैडागोजी पैडागोजी में तो 15-15 नंबर आ सकते हैं, 15 में से 15 नंबर ला सकते हो आप, ठीक है। और ईवीएस में आपको जो थ्योरी सेक्शन, ये अभी जो थ्योरी हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की, उससे आपका नंबर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूरा कवर, ठीक है। तो यानी कि आपको करनी है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब यहाँ करेंगे हम सी टेट की तैयारी, अभी आपका कोई पेपर नहीं, और बीपीएससी की और ईपी यानी कि ईपी यानी कि एएसएमआर वो जो आपका एकलव्य वाला है उसकी भी आपकी शुरू होने वाली क्लासेस, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।